हेलो दोस्तों, मैं आज की वीडियो पे जो है आप लोगों को मंजे के वगैरह के बारे में बताने वाला हूँ। और जो भी मैं दिखा और किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मंजे के बारे में बताओ, और साथ ही साथ एक और भाई का अपने कमेंट था कि आप पतंगों के स्टेस वगैरह मतलब जो भी आप यूज़ करते हैं वो दिखाइए। तो देखिए, आज मैं मंजे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो भी मैं यूज़ करता हूँ उसी के बारे में बताऊँगा। और दोस्तों, मैं किसी के भी चैनल को देख कर या वीडियो को देख कर या किसी के ओपिनियन पर नहीं बताऊँगा, मैं जो कुछ भी आपको बताने वाला हूँ वो भाई अपने एक्सपीरियंस पे बताऊँगा। तो ये देखिए, ये रही एक 6 रील मांझे की चरखी, देखिए ब्लैक कलर का, और इस पर जो है स्टिकर वगैरह वो सब हटा दिए थे। अभी इस पर दोस्तों 4 रील मांझा है, लगभग चौथी रील ये चल रही है। 3 मैं ख़त्म कर चुका हूँ, नहीं 2 ख़त्म कर चुका हूँ, मतलब 6ठी और 5वीं ख़त्म हो चुकी है, ये 4थी चल रही है। और ये NRK की डोर है, आप लोग देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महीन और चिकनी डोर है, बिल्कुल महीन डोर और चिकनी। तो दोस्तों अभी मैं बताऊंगा। और ये थोड़ी डोर है जो कि किसी पतंग के साथ आई थी मेरे पास, एक पर्पल पे है और साथ ही ये हल्का सा ब्लैक पे भी है, मतलब 2 पतंगों की डोर है इस पर। तो ये थोड़ी खुरदुरी डोर है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे शाइनिंग भी है इस डोर पे, और चमक तो इस पर भी है देखिए दोस्तों। तो इसका तो पता नहीं, ये मैंने चरखी लपेट रखी है। और दोस्तों एक डोर और है मेरे पास जो कि रखी है, बहुत ही पुरानी दोस्त है डोर है, ये देखिए ब्लू कलर पे, बहुत ही पुरानी डोर है। तो ये डोर जो है ये मोटी में खुरदुरी डोर है, मोटी डोर है और खुरदुरी, और देखिए इस पर रखे रखे चटकने वगैरह आ गई हैं, बहुत दिनों की रखी हुई है और ये केवल 1 रील ही बची है। और ये देखिए स्टीकर, तो मैं इसका नाम तो भूल गया हूँ कि ये किसकी है, आप लोगों ने कभी खरीदी हो तो ये स्टीकर देख के पहचान सकते हो। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ मंजे का वर्क, जो महीन डोर होती है और चिकनी डोर होती है। तो दोस्तों एक्चुअली मंजा जो होता है वो 3 टाइप का होता है मेरे अकॉर्डिंग, एक जो महीन में चिकना होता है, और दूसरा एक महीन पे ही खुरदुरा होता है, और जो थर्ड टाइप है तो वो मोटी डोर आती है। जो मोटी डोर होती है दोस्तों वो चिकनी, मैक्सिमम चिकनी ही रहती, खुरदुरी बहुत कम ही आपको मिलेगी, क्योंकि जो मोटी डोर होती है ना वो दोनों का काम करती है, फंस के भी लड़ती है, खींच के भी लड़ती है, और शॉर्ट रेंज पर ज़्यादा अच्छी होती है तेज़ हवा पर। और जो महीन डोर होती है दोस्तों, इसका यूज़ केवल एक ही है, आप अगर तेज़ हवा या दूर लड़ाते हो, कम से कम 1 किलोमीटर के आसपास या 800 मीटर या 1000 मीटर पर लड़ाते हो 1 किलोमीटर के आसपास, तो ही आप महीन डोर का यूज़ करिए, ये बहुत ही बढ़िया वर्क देती है। तो जो महीन डोर होती है दोस्तों, ये अक्सर फंसा कर लड़ाने के लिए होती है चक्करों पर, चिकनी डोर। और वैसे चिकनी डोर मैं बता दूं आपको, गर्मियों में ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है दोस्तों, और जो सर्दियों का टाइम होता है उस पर खुरदुरी डोर यूज़ की जाती है मौसम के अकॉर्डिंग, और नहीं तो तेज़ हवा पे ही चिकनी डोर ज़्यादा अच्छी वर्क करती है। तो दिखाते हैं, यही है दोस्तों। और जो खुरदुरी डोर होती है वो आप चाहे तेज़ हवा में लड़ाएँ, चाहे खींच के या ढील के, हर तरीके के पेज पर अवेलेबल होती है। और दोस्तों जो सबसे अच्छी बात है ना, मंजा कोई भी खींच या ढील का नहीं होता है, बस आपको हवा के अकॉर्डिंग मंजा यूज़ करना पड़ता है। अगर तेज़ हवा तो आप चिकना यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज खुरदुरा यूज़ करिए। जो मंजा होता है वो दोनों के लिए बना होता है, खींच या ढील दोनों के लिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप बेस्ट पेज किस पर लड़ा लेते हो, खींच से या ढील से, और आपके अपोनेंट पर भी डिपेंड करता है कि वो किस पर बेस्ट लड़ाता है। तो यही होता है मंजे का वर्क। और जो भी अच्छे कारीगर होते हैं ना, वो भाई ऐसा मंजा बना के देते हैं, आप ढील पर लड़ाओ या खींच पर, बहुत ही अच्छा वर्क करता है। तो ये रहा अपना मंजा। तो अब दिखाते हैं पतंग। एक्चुअली दोस्तों अपने पास पतंगें बहुत ही लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि मेरे पास रखने की जगह नहीं है। दिखाता हूँ मैं कहाँ रखता हूँ, छत पे ही छोटा सा केबिन टाइप में बना हुआ है दोस्तों, तो दिखा देते हैं आपको। तो ये देखिए, हम कैमरा हटाते थे, ये देखिए हमारी सद्दिक चरखियाँ पड़े, और ये रहा हमारा केबिन। ये देखिए, ये कुछ पतंगें इधर सेटअप है रखी हुई हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये देखिए, ये बॉक्स के अंदर यहाँ पर मैं चरखी वगैरह टेप वगैरह रखता हूँ। तो हम पतंगें निकाल लेते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सो, आप लोग देख पा रहे होंगे ये सारी मैंने निकाल ली हैं जितनी भी उसके अंदर थी। ये देखिए कितनी सारी हैं, आप देख पा रहे होंगे लगभग 50 से 60-70 पतंगों तक का ही मेरे पास स्पेस है यहाँ रखने की। तो अब मैं इसे दिखाता हूँ आप लोगों को जल्दी जल्दी से पतंगें, तो देखते रहिए। हाँ तो दोस्तों, मैं वो मांझा इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि आजकल काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो वो बेस्ट है। तो ये देखिए एक पट्टेदार पतंग। तो दोस्तों मैं अपनी पतंगों में सबसे पहले आप लोगों को पट्टेदार पतंगें दिखाऊंगा,
क्योंकि आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो देखें तो आपको पता होगा कि मुझे मेरी फेवरेट है ये। तो देखते जाइए, मैं जल्दी जल्दी दिखाता जाता हूँ, थर्ड फोर्थ। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पतंगबाजी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इंटरेस्टिंग वीडियो भी मिलती रहेंगी, और आप लोग अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, मैं उस पर वीडियो दे दूँगा आराम से। तो ये देखिए आप सारी पतंगें। और दोस्तों मेरे इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी आप लोगों को, उस पर भी फॉलो करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। तो ये देखिए हमारी सारी पतंगें, तो मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। ये रही एक पौने की पतंग ब्लैक पे, गोल फर्मे की, रेड पत्तेदार। देखिए ये गोल फर्मे की है। उसके बाद एक ये रही, मैं जल्दी जल्दी दिखा लेता हूँ, आप लोग देख लीजिए कितनी सारी तो हैं, वो मैंने आपको दिखाई दी है। और दोस्तों कुछ ये रही, गिलहरा ब्लैक ब्लैक, और ये एक स्काई ब्लू ब्राउन। ये सारी पौने पतंगे थी। अभी दोस्तों आधी की पतंगे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आप लोग देखते रहिए। और ये देखिए, ये देखिए कुछ। और इसके बाद थोड़ी सी मंझोली भी है दोस्तों। ये देखिए, ये कुछ ब्लैक हैं, कुछ परीदार हैं, और ये रहे देखिए कुछ मांगदार, ये मुद्देदार। तो दोस्तों बस यही सारी हैं मेरे पास पतंगें, आप लोगों ने देखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों।